और इस सर्विस आपको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा तो इस वीडियो में हम आपको पूरा कंप्लीट बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखना है क्योंकि डिजिटल असिस्टेंट यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए लेकर आ चुका है भारत एटीएम किस तरह आप लगाएगा, नया बैंक आप इस जगह से बना सकती है, मर्चेंट अकाउंट बना सकती है। सबसे पहले इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ दोस्तों। इंस्टॉल करने के बाद आपको मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो पूरा कंप्लीट देखना है आपको। भारत एटीएम में आपको क्या क्या फीचर मिलता है, क्या क्या सर्विस मिलता है, सभी हम आपको पूरा कंप्लीट बता देता है। तो दोस्तों अभी मेरा इंस्टॉल हो चुका है, अभी मेरा ओपन करने का बाकी है। तो ये एप्लीकेशन जो होता है लॉकडाउन में आया था, बोलो तो लॉकडाउन 6 महीना हुआ है, उसी में आपको 10,000 डाउनलोड हो गया है। और ओपन नाम में जब भी हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों इसमें आ जाता है भारत एटीएम। तो आप घर बैठे, आप छोटा मोटा दुकानदार है तो आप इसको रजिस्ट्रेशन करके बहुत अच्छा खासा अर्निंग कर सकती है। तो आपको कुछ वीडियो आ जाता है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो आप लेट गेट स्टार्ट में क्लिक करके आपको सबसे पहले दोस्तों इसमें मोबाइल नंबर भर देना है जो नंबर से आप इसको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है। वो मोबाइल नंबर डालने के बाद और इसमें जो होता है दोस्तों पावर बाय एयरटेल पेमेंट बैंक का तरफ से लिंक होता है। इसमें कोई भी आपको यही ट्रांजेक्शन करता है तो आपको एयरटेल पेमेंट बैंक से ही होता है। तो अभी वेरीफाई नाम में जब भी हम क्लिक करेंगे तो इसमें आपका मोबाइल में ओटीपी आएगा जो वन टाइम ओटीपी होता है। तो दोस्तों हम भर लेते हैं उसको भी क्योंकि हमारा सिस्टम में हमारा पास अभी तक ओटीपी नहीं आया है। तो हमारे पास ऑलरेडी अभी देखेंगे ओटीपी आया है कि नहीं आया है। तो ठीक है दोस्तों, हमारे पास ओटीपी भी आ चुका है तो हम इस जगह में ओटीपी भर देंगे। और ओटीपी भरने के बाद वेरीफाई में क्लिक करेंगे। वेरीफाई में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका ईमेल आईडी में एक ओटीपी आएगा जो आपको ओटीपी भरना मैंडेटरी है। तो दोस्तों अभी हम इसमें ओटीपी भी भर देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें ईमेल आईडी में एक ओटीपी डालने के लिए बता रहा है। तो इसमें एक ईमेल आईडी भी ओटीपी डाल देंगे। तो अभी इसमें एक ओटीपी डालेंगे जैसे कि आप देख पा रहा है, बाद में हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। तो दोस्तों इसमें बता रहा है दिस एजेंट ईमेल आईडी ऑलरेडी बिन, मेरा ऑलरेडी इसमें जो ईमेल आईडी है इसमें बता रहा है मेरा ऑलरेडी ईमेल आईडी भरा है। तो मैं अभी क्या करेंगे दोस्तों, मैं दूसरा एक ईमेल आईडी भर के दिखाएंगे आप लोगों को। तो दोस्तों मैं इसमें एक ईमेल आईडी भर चुका हूँ। भरने के बाद इसमें भी सेम आपको दिखाएंगे। तो इस वीडियो काफ़ी सारा मोटिवेशन आप लोगों को होने वाला है क्योंकि भारत जो हमारा ये होता है तो इसमें सबसे बताएगा इसमें आपका शॉप कैटेगरी क्या है। तो आपका शॉप का जो कैटेगरी है आपको सबसे पहले डाल देना है। तो मैं इसमें इलेक्ट्रिशियन डाल दिया हूँ। इसमें आपको सबसे पहले बताएगा आपका शॉप का नाम क्या है। तो मेरा मान के चलो मेरा शॉप का नेम जो है अशोक डिजिटल स्टोर है। स्टोर डालने के बाद दोस्तों आपको जीएसटी है तो डाल सकते, नहीं तो आप छोड़ के नेक्स्ट स्टेप पूरा कर सकती है। तो अभी इसमें बताएगा दोस्तों एरिया पिन कोड, जब भी आप एरिया पिन कोड डाल देगा तो इसमें आपका ऑटोमेटिक पिन कोड का हिसाब में पूरा डिटेल शो हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें सिलेक्ट पोस्ट ऑफिस आपको सिलेक्ट करने का बताएगा, जो आपका एरिया का पोस्ट ऑफिस है आप डाल के इसमें आपका पूरा एड्रेस भर देना है। सब का एड्रेस पुलिस में भरना है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें भरने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। जब भी हम नेक्स्ट करेंगे तो इसमें बताएगा नेम इस पर आधार कार्ड योर आधार नंबर और इसमें पैन कार्ड नंबर और इसमें इंडिविजुअल का नंबर। तो आपको डालने के बाद पूरा स्टेप पूरा कर लेना है। तो सबसे पहले मेरा इसमें जो नाम है दोस्तों मैं नाम ही भर देंगे। भरने के बाद नेक्स्ट हमारा होगा, अभी नेक्स्ट होगा आधार कार्ड नंबर, जो भी हमारा आधार कार्ड नंबर है दोस्तों आप इस आधार कार्ड नंबर भी देख सकती है। नीचे आपको आ जाएगा दोस्तों, उसमें एक ओटीपी आएगा जो आपका सेंड ओटीपी चला जाएगा। तो उसमें एक ओटीपी आएगा जो आधार कार्ड का साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसमें एक ओटीपी आ जाएगा। तो सबसे पहले बताना चाहता हूँ दोस्तों ये सर्विस लेने के लिए आपका आधार कार्ड का साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर होना जरूरी है। ये मैंडेटरी है आधार कार्ड का साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर होना। तो वेरीफाई में क्लिक कर देंगे, ये आया है आधार कार्ड का तरफ से क्योंकि ये आधार कार्ड का साथ वेरीफाई होने के बाद अभी इसमें भरना है पैन कार्ड नंबर। तो दोस्तों मैं अभी सबसे पहले आप लोग बताना चाहता हूँ आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो सबसे पहले अच्छा होता है इसमें बनाने के, मैं अभी एक आधार कार्ड का पैन कार्ड का नंबर डाल दिया हूँ। तो मैं इसमें पैन कार्ड का नंबर भरूँगा अभी, और भरने के बाद इसमें नाम भरेंगे जो मेरा नाम है पैन कार्ड का साथ जो नाम है वो नाम आपको भरना है। नीचे आपको आधार कार्ड नंबर भर देना है दोस्तों। भरने के बाद हमारा पैन कार्ड भी स्टेप पूरा हो चुका है। अभी इसमें बताएगा वाचिंग वीडियो गेट टू डैशबोर्ड। तो आप इस जगह से वीडियो भी देख सकती है, आप इस जगह से वीडियो भी आप देख सकते हैं पूरा जो यूट्यूब का उसका वीडियो आ जाता है। और आप चाहे अब इसको डायरेक्ट गेट टू डैशबोर्ड में चला जा सकती है। दोस्तों सैंपल इजी है, डिजिटल अशोक स्टोर यूट्यूब चैनल में आपको सैंपल इजी बनाने के लिए आ जाता है दोस्तों। इसमें रेटिंग देने के लिए बता रहा है तो मैं इसमें बताएंगे गुड, क्योंकि मेरे को शायद पता नहीं है अभी कैसे है गुड वर्क इसमें डाल दिया है। तो दोस्तों अभी इसमें अलाउ कर देंगे दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं नमस्ते अशोक मंडल, अभी इसमें मेरा बिजनेस आ गया है, ये मेरा वीज़ा कार्ड है, इसमें क्रेडिट कार्ड है, इस जगह से पूरा डिटेल्स आप देख सकती है। तो इस जगह से देख सकते हैं दोस्तों, न्यूज़ भी आ जाता है, ओपन अकाउंट इस जगह से जब भी आप अकाउंट ओपन करेगा तो विड्रॉल मनी और गेट टू अकाउंट स्टेटमेंट आप इस जगह से स्टेटमेंट चेक कर सकती है।
कोई भी अकाउंट का बैलेंस आप इस जगह से मान के चलो मैं एयरटेल पेमेंट बैंक सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है ना, मान के चलो सेंट्रल बैंक सिलेक्ट कर ले दोस्तों। जब भी हम सेंट्रल बैंक सिलेक्ट करेंगे, सॉरी इसमें सेंट्रल बैंक नहीं करेंगे क्योंकि एयरटेल पेमेंट बैंक सिलेक्ट करेंगे, तो दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक आपका नहीं शो होगा क्योंकि एयरटेल पेमेंट अभी हो सकती नहीं है। तो अभी जब भी इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें आपको आधार कार्ड नंबर बताएगा, मान के चलो एक आधार कार्ड नंबर भरेंगे इस जगह में कस्टमर का। सिंपल इजी ट्रिक है दोस्तों, जब भी हम प्रोसेस में क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, कंसेंट करेंगे, इसमें डिवाइस नोट कनेक्ट बता रहा है, तो आपका डिवाइस जब भी आप कनेक्ट करेगा तो आपका इस अकाउंट जो होता है बैलेंस ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, और काफ़ी सारा भाई लोग मेरे को कमेंट किया था, काफ़ी सारा भाई लोग मेरे को डिमांड किया था जो भारत एटीएम का हम एक एक वीडियो बना के दो, भारत एटीएम में हम किस तरह रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं आपका कोई प्रॉब्लम है इसमें हेल्प ले सकती है आप, इस जगह से देख सकते हैं पूरा डिटेल्स आ जाता है, मैनेजर प्रोफाइल, बिजनेस प्रोफाइल आप इस जगह से देख सकते हैं दोस्तों। आपका जो अकाउंट होता है पूरा सक्सेसफुल हो गया है, फिंगरप्रिंट आप इस जगह से कर सकती है, लिमिट ईयर इस जगह से देख सकती है आपका कमीशन कितना मिलता है, कैश विड्रॉल में आपको 1,00,000 तक ट्रांजेक्शन दिया है, कैश डिपॉजिट में 1,000 में आपको कैश डिपॉजिट देता है, विथड्रॉ बैलेंस इसमें आपको एक इसमें आपको दिया है 10,00,000 तक, मैक्सिमम डिमांड रेस्ट दिया है 1,00,000, इसमें रेस्ट टिकट भी कर सकती है। ऐसे अगर हम देख सकते हैं तो कैश विड्रॉल में आपको 3% कमीशन देता है, कैश डिपॉजिट में आपको 10 ट्रांजैक्शन में आपको इतना देता है 3%, मिनी स्टेटमेंट में आपको 3% देता है, बोलो तो 3 रुपया आपको देता है शायद, हो सकती है ऐसा। सेटलमेंट चार्ज आपको फ्री है, सेटलमेंट आपका मान कर चलो आपके अकाउंट में सेटलमेंट कर रहे हैं चार्ज फ्री है, और वॉलेट लोड चार्जेस आपको फ्री मतलब 3% चार्ज लेता है, सॉरी इसमें कमीशन देता है, और डेली मंथली रेंटल आपको कुछ भी नहीं है, और इसमें विद योर हाई कमीशन एंड लो चार्जेस आपको अपडेट करने के लिए दोस्तों इसमें क्लिक करना है, और इसमें देखो दोस्तों आपका हो चुका है अपडेट, और इस जगह में आप देख सकते हैं पूरा डिटेल्स। तो इसमें कोई डेली मंथली रेंटल भी नहीं है, वॉलेट लोड चार्जेस आपको मिल जाए 3 रुपया, सेटलमेंट चार्जेस फ्री है दोस्तों। आपको काफ़ी सारा मोटिवेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा इस कंपनी के द्वारा। तो दोस्तों मैं आशा करूँगा आप लोगों को इस वीडियो देख के बहुत पसंद होगी, तो इस जगह से आप करंट अकाउंट भी बना सकती है, और आपका बैंक अकाउंट इस जगह पर भी सबमिट कर सकती है। इसमें बता रहा है दोस्तों अशोक मंडल, योर अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम, और UPI भीम पर जो भी आपका इस जगह से लिंक कर सकती है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, और इसमें बता रहा है ओपन करंट अकाउंट, इस जगह से आप ओपन करंट अकाउंट भी बना सकती है। तो दोस्तों मैं आशा करूँगा आप लोगों को वीडियो देख के पसंद होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, आपके दोस्तों को भी शेयर कर देना, क्योंकि बैंकिंग फैसिलिटी के लेके हम सबसे पहले लेकर आ जाते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल में, तो इस जगह से आप नोटिफिकेशन देख सकती है। तो दोस्तों आपको सबसे बेनिफिट होने वाला है भारत एटीएम, आप फ्री में घर बैठे एक EPS बना के अच्छा खासा बिजनेस बढ़ा सकती है। इस जगह से व्यू ऑर्डर्स में जाके देखो विड्रॉल मनी इस जगह से आप विड्रॉल कर सकती है, कस्टमर का मिनिमम आप 10,000 विड्रॉल कर सकते हैं दोस्तों इस अकाउंट से। और आप इसे को सिलेक्ट योर बैंक, जब भी आप क्लिक करेगा बाय आधार कार्ड बाय ATM, तो आप इस जगह से ATM के लिए बात कर सकती है, तो आप ATM इस जगह बाय कर सकते दोस्तों। ATM का जो कॉस्ट होता है अभी आपका सामने आ जाएगा, ATM का कितना कॉस्ट है, जैसे कि आप देख पा रहे दोस्तों भारत ATM पिन पेट 3,500 इसमें सेल दे रहा है दोस्तों। और इस ATM जो आपको आएगा घर में आ जाएगा डायरेक्ट, आपको कुछ भी करने के लिए जरूरत नहीं है, आप इस ATM को घर बैठे इसको मंगवा सकती है, बाय करेगा तो आपके ATM आ जाएगा दोस्तों। तो मैं आपको बहुत बताना चाहता हूँ इस सर्विस लेके आप अच्छा खासा बिजनेस भी बढ़ा सकती है, और अच्छा खासा सेल भी कर सकती है। तो इसमें आप ATM के भी आ जाता है, और अभी फिर बैलेंस विड्रॉल करेंगे, बायोमेट्रिक स्कैन करने के लिए आपको इसमें सिलेक्ट बैंक बताएगा जो भी आपका बैंक है, मान के चलो आप सिलेक्ट बैंक करने के लिए बताएगा जो भी आपका बैंक है, आप इस जगह बैंक सिलेक्ट कर लेना। और अभी बैंक इस जगह जो आपका आता है UPS, इसमें अभी मैंने आपको 10,000 से ज़्यादा नहीं होगा, सबसे पहले बताना चाहता हूँ दोस्तों 10,000 से ज़्यादा भी ज़्यादा नहीं होगा। अभी आपको इंटरनेट में क्लिक करना है, तो प्लीज़ सिलेक्ट योर बैंक, तो अभी आपको बैंक बताएगा जो भी आपका बैंक है, तो आपको सिलेक्ट योर बैंक भी आप इस जगह से कर सकती है जो भी आपका बैंक है। तो ICICI बैंक सेलेक्ट करेंगे, इसमें भारत ATM में आपको आ जाएगा, इसमें आधार कार्ड नंबर भरना है, बस आपका सिंपल एजी हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना, और इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, आपके दोस्तों को भी शेयर कर देना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।